हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट 2018 यानी सन 2018 में जो एग्ज़ाम हुए थे टोटल 41,520 पोस्ट पे, उसका फाइनल रिजल्ट आज कैटेगरी वाइज और नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट UPPPBP पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट 100% करेक्ट न्यूज़ को पाने के लिए बाय माय चैनल। अब इस वीडियो में हम आपको जो आपसे नोटिस आई है और जो लिस्ट आई है लोगों की जिनका सिलेक्शन हुआ वो दिखाएँगे। अब यहाँ पर आप गूगल पे सरकारी रिजल्ट सर्च जब करेंगे तो आपको दिखेगा रिजल्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। बताओ, अब यहाँ पर आप दिख पा रहा है 41,520 पोस्ट पे पेपर हुआ था, यानी टोटल 41,520 वैकेंसीज थी और ये दो चरणों में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि एक जो हुआ था वो 18-19 जून 2018 को हुआ था, फिर कुछ पेपर में लीक होने के कारण, कुछ दिक्कत होने के कारण एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। सेकेंड शिफ्ट जून महीने का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, फिर उसका एग्ज़ाम जो है 25-26 अक्टूबर को दोबारा हुआ था। इसके बाद जिनका नाम आ गया था रिजल्ट में तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और फिजिकल टेस्ट के लिए अभी जनवरी में बुलाया गया था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे डाउनलोड फाइनल रिजल्ट कंप्लीट रिजल्ट। यहाँ पर हम क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे वेबसाइट UPPP और ये वेबसाइट इसमें स्लो चल रही है लेकिन हमने डाउनलोड करके रख रखा है पहले से, आप सभी लोग चेक कर सकते हैं UPPBPB वेबसाइट पे। दोस्तों, यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस आई है हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यहाँ पर पूरा दिखाया गया है कि टोटल 41,520 पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे सन 2018 में, और यहाँ पे दिखाया भी कि जून महीने में 18-19 जून को एग्ज़ाम हुए थे 2018 में, फिर और यहाँ पर 25 और 26 अक्टूबर को दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था जिनका कैंसिल हुआ था, लिखित परीक्षा हुई थी। फिर यहाँ पे 7 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण हुआ था और अब नॉर्मलाइजेशन करके उनका रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है ऑफिशियल। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को फाइनल रिजल्ट जो यहाँ पे OBC कैटेगरी का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लिस्ट सिविल पुलिस OBC यानी OBC कैटेगरी की सारा रिजल्ट इस पर डाउनलोड है, अपलोड है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने पोस्ट नेम, अलॉटमेंट टाइप कैसा है, मेरिट पे है, सिलेक्टेड एज कौन सी कैटेगरी का OBC का, रिवाइज रैंक क्या है, इनकी रैंक आया है, रोल नंबर क्या है, और नेम, फादर नेम और डोमिसाइल ऑफ UP। फिर यहाँ पे कैटेगरी अदर आफ्टर DV यानी DV के बाद, यानी जो टेस्ट हुआ है उसके बाद जो कैटेगरी है वो दिखाया गया है। फिर यहाँ पे आपको होम गार्ड की जगह है नहीं, नो है। फिर यहाँ पे DOB भी दिया, डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया। फिर यहीं पे नॉर्मलाइज स्कोर भी दिया गया कि हाँ कौन सा कैंडिडेट कितना नंबर पाया है नॉर्मलाइज करके, यानी नंबर जो बढ़ाए गए हैं कि तो कितना नंबर बढ़ा के मतलब टोटल इनका स्कोर आया है और किस डिस्ट्रिक्ट से है, पूरा डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। जिन लोगों का यहाँ इसमें सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बेहद ही कांग्रेचुलेशंस, ढेर सारी बधाइयाँ। इसी तरह से जो ST कैटेगरी की हैं, SC कैटेगरी की हैं, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और रोल नंबर क्या है, फादर नेम क्या है, और नॉर्मलाइज स्कोर उनका कितना है, यानी कि अपना स्कोर भी इसमें सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें ओपन कैटेगरी का रिजल्ट आप सभी लोग देख सकते हैं। ये देखिए कैटेगरी कैसा है, ओपन कैटेगरी, रिवाइज रैंक क्या है, उनका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, यानी कि टोटल इस पर दिखाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि न्यूज़ जो मेरे द्वारा दी गई है चैनल के द्वारा तो आप सभी लोगों को सेटिस्फाइड होंगे।
और ये 100% करेक्ट न्यूज है। तो इस तरह की 100% करेक्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से सूरज ट्रिपल सी तैयारी से। थैंक यू टू ऑल।